In the wake of the death of a truck conductor, Zahid Rasool Bhat, who was allegedly attacked by a mob at Udhampur on October 9, a complete shutdown is being observed across the Kashmir Valley on Monday. Authorities have also imposed restrictions in 8 areas of Kashmir and placed several separatist leaders under house arrest in view of the shutdown. The government has imposed undeclared curfew around 7 police stations of Srinagar. The shutdown was called by Jammu Kashmir Liberation Front Chief Yasin Malik and has been supported by both the factions of Hurriyat Conference and trade unions. The authorities have deployed police and CRPF jawans at various places to check the violent protest. All shops, business establishments, schools and government offices are closed and public transport is off from the roads. चार दिन पहले से उधमपुर में एक लड़का जिसको अटैक हुआ था वो क्रिटिकल था और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में था वो क्रिटिकल था वो कल उसकी डेथ हो चुकी है इसी सिलसिले में आज पूरा कश्मीर बंद है जो काल दी हुरियत कॉन्फ्रेंस के दोनों दर थे उसने दोनों काल दी और ये शाह भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा ट्रेड यूनियन भी सपोर्ट कर रहे हैं इस काल में कुछ डाउनटाउन में कर्फ्यू भी लगाया है मायसूमा भी है क्रिटिकल कंडीशन है अभी हालत खराब हो चुकी है और मैं अपील करना चाहता हूं सब भाइयों बहनों से कि जो भी हिंदू भाई हो मुसलमान भाई हो अमन से रहे क्योंकि पीस हमारे लिए सबसे जरूरी है इसका इस पर्टिकुलर इस कश्मीर के लिए डेवलपमेंट के लिए पीस सबसे जरूरी है. The attack on Bhat was seen by many as an after-effect of a beef party hosted by independent legislator Engineer Rashid in Srinagar. Meanwhile, Bhat's relative blamed the BJP for his death. पहले तो मोदी साहब और उसकी साक्षी वगैरह वो तो ऐसे पैगाम देते हैं लोगों को जिससे आग लग जाती है. अगर उनको इतनी पड़ी है हमारे प्रॉफिट जो है हमारे कुछ उसके फॉलोअर्स ने जो उन दिनों थे तो उन्होंने उनका जिसको इंग्लिश में यूरिन कहते हैं यूरिन पिया और बाउल तो जो बिग बाउल है जो ये है बड़ा पेशाब है वो तो देखा ही नहीं किसी ने फिर भी हम उसको गार्ड नहीं मानते हैं हालांकि लेनिन ने कहा अगर ये कहेगा कि मैं गार्ड हूं फिर मैं इसको गार्ड मानूंगा नहीं तो मैं गार्ड मानता ही नहीं हूं लेकिन अगर साक्षी साहब को इतनी पड़ी है गाय माता की हम भी रेस्पेक्ट करते हैं उसको वो इतनी इस तरह नहीं रेस्पेक्ट करते होंगे जितना हम उसको करते हैं घर में. करेस्पोंडेंट फयाज फ्रॉम श्रीनगर फॉर ANI.